को जो वाकया सानिया हुआ था मरियम नवाज शरीफ के साथ, मेरा दिल बहुत जला हुआ है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। कितना बड़ा हमला 9 मई को इमरान खान और उसके जत्थों ने मरियम नवाज शरीफ पर किया, मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या इस तरह का हमला कभी पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी मरियम नवाज शरीफ पर कर सका? क्या इतना तंग दिलों वाला सलूक मरियम नवाज शरीफ के साथ क्या दहशतगर्द तंजीमें भी कर सकी? समझ रहे हो ना? जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशत गर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करियम नवाज शरीफ के साथ करके दिखाया। हमले का मकसद करियम नवाज शरीफ को कमजोर करना, उसको झुकाना। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। उसको सरनगू करना था, उसके खिलाफ पुरतशद्दद लहर को जन्म देना था। इसका मकसद मरियम नवाज शरीफ के लिए कोई खिदमत नहीं था। शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ, डूब के मर जाओ शर्म से तुम। और मेरे नौजवानों, ये भी मैं बता दूं, और मैं खुलेआम कहती हूँ, खुले बंदों कहती हूँ, आपको गवाह बना के कहती हूँ, अपनी मालूमात की बुनियाद पर कहती हूँ कि ये इमरान इसमें अकेला नहीं था। मरियम नवाज शरीफ पर हमलों में इमरान खान के वो सहूलतकार जो 2011 से लेकर 2022 तक इसकी सरपरस्ती करते रहे, इसकी सहूलतकारी करते रहे, वो सब भी शामिल है इसमें। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो।